खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। लटेरी तहसील के बादर सेना वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर भील आदिवासी समुदाय एवं यादव समुदाय के बीच विवाद हुआ था। विवाद के कारण आदिवासी समुदाय एवं यादव समुदाय दोनों ही लटेरी थाने पर एकत्रित हो गए। पुलिस द्वारा दोनों समुदायों को मौके पर समझाइश दी गई, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा थाना प्रणाम के बाहर आमने सामने होकर एक दूसरे के ऊपर 2 घंटे तक पत्थर फेंके गए। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को तितर तर किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि विवाद और अधिक ना हो पाए। इसके बाद भील समुदाय ने सिरूंज चौराहे पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल, कलेक्टर, एसपी भी पहुंचे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव की समझाइश के बाद आदिवासी भील समाज माना और चक्का जाम को हटाया। बंद करा रे। अच्छा एक बात बेटा, बेटा तुम दोनों लड़ ले तो कोई बड़ी घटना घटना तुम लोग अच्छी बात नहीं। देखो नहीं, देखो बेटा आंदोलन नहीं होते बेटा। आदिवासी समुदाय है, उन्होंने तो यहाँ पर परसों की झोपड़ी बना ली थी। उनका आरोप है कि हमारी झोपड़ी को यादव समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया, ऐसा उनका आरोप है। इसको लेकर के एक पक्ष यहाँ थाने में एफआईआर करने आया, दूसरा पक्ष भी उसके पीछे आ गया। वो तो आकर के यहाँ बाहर रोड पर इन दोनों लोगों ने आपस में विवाद करके आपस में दोनों में पथरा हो गया। पुलिस की जैसे संज्ञान में चीज देखा पुलिस ने, दोनों पक्षों को चित्र वितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर दोनों पक्षों को चित्र वितर किया। एक घंटे तक लगभग लाठीचार्ज पत्थरबाजी होती रही सर, लेकिन लेकिन कार्रवाई क्या होगी सर? कार्रवाई है सर, देखिए यहाँ पर कोई लाठीचार्ज तो हुआ नहीं है। जो मेरे पास मैंने जो वीडियो डले हुए आप लोगों ने डाले हुए, जो पथराव इन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे किया है, जो दो समुदाय थे यादव समुदाय और जो आदिवासी समुदाय, दोनों के बीच पथराव हुआ है। निश्चित रूप से कोई और बड़ी घटना नहीं हो इन दोनों में, कोई और ऐसा बड़ा विवाद जिससे कोई जनहानि या कोई बड़ी घटना हो जाए, इसलिए पुलिस ने इंटरवीन करके दोनों पक्षों को तितर-बितर किया, आंसू गैस के गोले छोड़ करके। अब इस पूरी घटना की हम निष्पक्ष इसकी जांच करेंगे और जांच करा करके भी जो भी इसमें दोषी है। नहीं सर, हम पुलिस की लाठीचार्ज की लाठीचार्ज एक घंटे तक उत्पात मचाया गया है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये तो हम अभी आए हैं, हमने पहले तो स्थिति को नॉर्मल करने के लिए जो भीड़ वगैरह यहाँ इकट्ठा थी आपने भी देखा होगा, हमने उस भीड़ को यहाँ से भी हटाया हुआ है। और जो पक्ष हैं उनका कहना है साहब हमको इनके पत्थर से चोट लगी, इन्होंने काम को इनके पत्थर से चोट लगी, उनकी हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद हम इस पर कार्रवाई। सर अगर मार्केट में कोई पशु ये लग जाती है और उसको कुछ घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए दो चीज़ें हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति में कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, बट बहुत अच्छी इशू कृपारी कि हम यहाँ इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं। चक्का जाम किन परिस्थिति में है क्या? देखिए चक्का जाम तो देख बातचीत आपके सामने थी कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, दो दो समुदाय में विवाद है, जो एफआईआर करेंगे समुदाय हम उनकी रिपोर्ट लेंगे, उसमें जांच करेंगे, जांच करके हम कर। चलो ठीक है, क्या कंडीशन रहेगी, क्या कार्रवाई होगी? देखिए आज लटेरी के पास के गाँव है रायपुरा और बांदर सेना, यहाँ पे भील समुदाय और यादव समाज के बीच में फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जे को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी थी। दोनों पक्ष यहाँ लटेरी मुख्यालय पर उपस्थित हुए थे, जब इनको समझाइश देके वहाँ से वापस किया जाने लगा तो ये पक्ष आमने सामने हुए, एक दूसरे की तरफ इन्होंने पथराव किया, जिसमें संभवतः कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं जिनका मेडिकल अभी चल रहा है। उसके बाद एक समुदाय के लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे, जिनसे अभी जैसे ही हम लोग को सूचना मिली हम लोग जिला मुख्यालय से रवाना हुए, हमने अलग अलग थानों से अपना बल, अपने एसडीओपी और अन्य अधिकारी रवाना किए और यहाँ पे इन लोगों से बात करके अभी मार्ग क्लियर कराया गया है, रास्ता खोला गया है, इनकी बातें सुनी गई हैं और दोनों पक्षों की पूरी बातें सुन के और अन्य साक्ष्य भी जो हमारे सामने आएंगे, मेडिकल के आधार पर क्या निकल के आता है, क्या वास्तविक घटनाक्रम था, उसके आधार पर कार्रवाई जारी है अभी। और इसमें जैसा मैंने कहा, चूंकि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, पथराव की स्थिति बन गई थी, इसमें हमारे पुलिस बल ने और हमारे स्थानीय प्रशासन ने इंटरवीन करते हुए दोनों को अलग अलग किया ताकि कोई बड़ी घटना ना घटित होने पाए, और ऐसी कोई बड़ी घटना हमारी टीम ने घटित होने भी नहीं थी, तो एक बहुत अच्छा काम हमारी यहाँ की स्थानीय प्रशासन की टीम ने किया है जो काबिले तारीफ है, और आगे भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, स्थिति नियंत्रण में है और हम कानूनन कार्रवाई जो होती है वो करेंगे। लटेरी से खबर समय जगत के लिए नीरज सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।